हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी से मैंने कहा था कि हम लोग आपके लिए आइसक्रीम के सीरीज शुरू करने वाले हैं, तो आज उसी का डे वन है। तो मैं आपको डे वन में डिटेल वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है कि हमें आइसक्रीम बनाने के लिए किन किन सामग्रियों की ज़रूरत होगी, तो लास्ट तक ज़रूर देखिए, वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में ही बेल आइकन है, इसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ये फ्रेंड्स, जानते हैं कि आइसक्रीम बनाने के लिए हमें किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हमें मेजरिंग कप चाहिए होंगे। तो मेजरिंग कप में से हमारे लिए जो है ये चार जो कप है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये है 1 टेबल स्पून, ये 1/4 टीस्पून है। हाँ, 2 स्पून के अलावा हमें 2 मेजरिंग कप की ज़रूरत होगी, जिसमें से ये एक कप है जो 1/4 कप है, जो 30 ml का है। यह जो कप है ये 240 ml का कप है, जिसे 1 कप हम कहेंगे। इसके अलावा हम यूज़ करेंगे कॉर्नफ्लोर। मैंने यहाँ पर इस ब्रांड का कॉर्नफ्लोर लिया है, आप किसी भी ब्रांड का कॉर्नफ्लोर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमें मिल्क पाउडर यूज़ करनी है, मैंने इस ब्रांड का मिल्क पाउडर यूज़ किया है। आपके एरिया में जो भी मिल्क पाउडर अवेलेबल हो आप उस ब्रांड का मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम मिठास के लिए शुगर यूज़ करेंगे। शुगर तो सभी के घर में हमें इजीली अवेलेबल हो जाएगी। शुगर जो है हमें 1/4 कप यूज़ करनी है। फ्रेंड्स, जब हम चॉकलेट आइसक्रीम बनाएंगे तो चॉकलेट आइसक्रीम में हमें कोको पाउडर यूज़ करना है। हमारे पास ये वाला कोको पाउडर अवेलेबल था, आप किसी भी ब्रांड का कोको पाउडर यूज़ कर सकते हैं। और हम यूज़ करेंगे कुछ इसेंस और कुछ कलर्स। आइसक्रीम में कलर और फ्लेवर के लिए हमें इसेंस यूज़ करना है। यहाँ पर मैंने इस ब्रांड के कलर्स और इसेंस यूज़ किए हैं, आप चाहें जिस ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जेल कलर यूज़ करूँगी, आप चाहें तो पाउडर कलर या फिर लिक्विड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। बेटर टेस्ट के लिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने क्रश भी यूज़ किया है। आइसक्रीम में जो है हमें बेटर टेस्ट देने के लिए क्रश का इस्तेमाल करना है। चॉकलेट आइसक्रीम को रिच फ्लेवर देने के लिए हम यहाँ पर चोको चिप्स भी यूज़ करेंगे। डेकोरेशन के लिए शुगर बॉल्स भी यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, जब भी हम बटरस्कॉच आइसक्रीम बनाएंगे तो इसमें हमें बटरस्कॉच बॉल्स की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर मैंने इस ब्रांड के बटरस्कॉच बॉल यूज़ करे हैं, आप किसी भी ब्रांड के बटरस्कॉच बॉल यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हमें चॉकलेट फ्लेवर की जब भी आइसक्रीम बनाना होगी तब हमें डार्क कंपाउंड चॉकलेट यूज़ करनी है। यहाँ पर मेरे पास मोरडे की डार्क कंपाउंड चॉकलेट है, आप चाहें जिस ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम यहाँ पर ग्लूकोज सिरप भी यूज़ करेंगे, इसका यूज़ मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। मैंने यहाँ पर इस ब्रांड का ग्लूकोज सिरप यूज़ किया है, आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ के अकॉर्डिंग किसी भी ब्रांड का ग्लूकोज सिरप यूज़ कर सकते हैं। ट्रोपोलाइट क्रीम लिया है यहाँ पर मैंने, आप जिस भी ब्रांड का लेना चाहे ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने अमूल का मिठाई मेट भी आगे आइसक्रीम में यूज़ किया है। कंडेंस मिल्क है ये, इसे अमूल का मिठाई मीट भी कहते हैं। इसी के साथ यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज करूंगी। ये जो इलेक्ट्रिक बीटर है ये हमारा 500 वॉट का इलेक्ट्रिक बीटर है, सायोना कंपनी का बीटर है। आइसक्रीम को प्रोफेशनल तरीके से बनाने के लिए हमें इसकी ज़रूरत होगी, तो बीटर होना ज़रूरी है। मेरे पास 500 वाट का है, आप इससे कम वाट का अगर आपके पास है तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बीटर में यहाँ पर स्पीड के लिए कुछ बटन दिए हुए हैं। आइसक्रीम को सेट करने के लिए हमें एयर टाइट कंटेनर की ज़रूरत होगी, तो मैंने यहाँ पर एयर टाइट कंटेनर ये वाला यूज़ किया है। आपके यहाँ पर इसमें का एयरटाइट बॉक्स हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आगे हम आपको कुल्फ़ी बनाना भी सिखाएंगे, तो ये कुल्फ़ी का मोल्ड भी है मेरे पास। अगर आपके पास इस टाइप का बॉक्स हो तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास फॉइल रैप पेपर भी है, आप जिस भी कंटेनर में आइसक्रीम बनाएं उसे हम फॉइल रैप पेपर से रैप करके भी आइसक्रीम को सेट कर सकते हैं। आपको इजीली मार्केट में ये कहीं पर भी अवेलेबल हो जाएगा।
इन सभी के अलावा हम यहाँ पर एक बाउल भी लेंगे जिसमें हमें सभी सामग्रियों को मिक्स करना है। इस टाइप का एक बाउल हमने यहाँ पर लिया है। साथ में हम इसे मिलाने के लिए स्पैचुला का भी यूज़ करेंगे। आपके पास विस्कर हो तो आप विस्कर भी यूज़ कर सकते हैं। आइसक्रीम को सर्व करने के लिए यहाँ पर मैं स्कूपिंग स्पून यूज़ किया है। इसी से हम आइसक्रीम को सर्व करेंगे। साथ ही अगर आप आइसक्रीम का बिजनेस कर रहे हैं तो हमें आइसक्रीम को कैसे पैक करके देना है, तो उसके लिए यहाँ पर मेरे पास पैकिंग के जो इस टाइप के आइसक्रीम कप्स हैं, मार्केट में आपको इजीली कहीं पर भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप इस तरह के आइसक्रीम कप्स में आइसक्रीम की पैकिंग करके दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आइसक्रीम को बनाने के लिए जो हमें सामग्रियाँ लगेगी उसका डिटेल वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इन गर्मियों के सीजन्स में सभी अपने घर पर आइसक्रीम बना सके। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको सभी फ्लेवर्स की आइसक्रीम बनाना सिखाएंगे।